नमस्कार, केएम न्यूज में स्वागत है आपका। आज हम आए हैं धर्मपुर के आसुरा गांव, जहां कांजी फड़े के लोग आज यहां तालुका पंचायत में आए हैं, जो अपनी कुछ कंप्लेन लेके यहां तालुका पंचायत में आए हैं। तो आज हमारे साथ है आसुरा गांव कांजी फड़े के कुछ लोग। तो आज हम बात करेंगे सूरज। नमस्कार सर जी। नमस्कार। आप जो यहां आवेदन पत्र देने आए हैं वो किस चीज़ का है? आवेदन पत्र में देने आया हूँ प्रायिक व्यक्ति के द्वारा आसुरा ग्राम पंचायत पर कब्जा जमा के संचालन करने के लिए, और कलाधिकम मंत्री उसके साथ में सहयोग दे रहे हैं। सुना है कि आपके गांव की जो सरपंच है वो महिला है, लेकिन जो कार्यवाही करते हैं उनका पति है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सही बात है कि हमारे आसुरा ग्राम पंचायत में महिला सरपंच है, लेकिन महिला सरपंच कभी भी पंचायत पर आती नहीं। उसका पूरा संचालन संजय भाई नरसिंह पटेल खुद ही करते हैं, जो कि संविधान के खिलाफ। तो अभी आपके गांव की क्या समस्या है? हमारे गांव की बहुत बड़ी समस्या है कि यहां पे हिसाब क्लियर कट दिखाई नहीं दे जाता, और जो भी है यहां पे पंचायत में जो संजय भाई है वो कोई सरपंच नहीं है, फिर भी वो अपना संचालन करते हैं, और इस हिसाब में वो पंचायत के हिसाब में गड़बड़ घोटाला करते रहते हैं। अगर यहाँ आज आपने आवेदन पत्र दिया है, यहाँ कुछ कार्यवाही नहीं होती, तो आगे आप क्या करेंगे? अगर यहाँ पे अगर कोई कार्यवाही नहीं होती तो हम उसके आगे जाएंगे, अगर वहाँ पे भी नहीं होती है तो हम उसके खिलाफ PLI रिपोर्ट केस दाखिल करेंगे, और उसके सामने राज्य सर में एक्शन लेंगे। आपके जो गांव की समस्या है ये कितने सालों से हुई है? ये 20 साल या ज़्यादा कुछ हो गया होगा। यहाँ पे जो सरपंच है हमारे, वो हमारे जो महिला सरपंच है एक्चुअली, वो तो उसका जो काम होता है वो हमारे जो उसका जो पति है वो समझ रहे हैं। तो अगर वो महिला सरपंच है तो उसका जो पति वो कार्यवाही करता है, तो उसके खिलाफ आपने आगे भी कोई कंप्लेन की है या पहली बार की है? नहीं, आगे भी कंप्लेन की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो लगभग हम सब मिल के सब काम कर रहे हैं, इसलिए सब कंप्लेन की है उनके लिए। जो बताना चाहते हैं क्या मुझे सर? तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरामैन राजेश चौबे के साथ मैं रीटा पटेल, गुजरात वलसाड़ से।